भाग्यश्री डोंगे वीकेबी न्यूज की प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोदी कैबिनेट से मुख्तार अब्बास नकवी का इस्तीफा, कल खत्म होगा राज्यसभा का कार्यकाल। अनिल बोंडे ने दी उमेश कोल्हे हत्या मामले पर प्रतिक्रिया, देवेंद्र फडणवीस से मिलने आए थे नागपुर। और नागपुर में दुराचार के बाद युवती ने छत से लगाई छलांग, गंभीर घायल पीड़िता अस्पताल में भर्ती। विस्तार से केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मंत्रालय संभाल रहे मुख्तार अब्बास नकवी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि नकवी का राज्यसभा का कार्यकाल कल खत्म होने जा रहा है। उनका यह इस्तीफा आज की कैबिनेट मीटिंग के बाद आया है। मोदी सरकार पर जब भी हिंदू विरोधी होने के सवाल उठे, नकवी ने आगे आकर हमेशा कमान संभाली और सरकार में बड़ी जिम्मेदारी निभाई। नकवी 2010 से 2016 तक यूपी से राज्यसभा सदस्य रहे। 2016 में वे झारखंड से राज्यसभा भेजे गए। नकवी पहली बार 1998 में लोकसभा का चुनाव जीते और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए थे। गौरतलब है कि कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने नकवी के कार्यकाल की तारीफ की थी। उनके इस्तीफे के साथ ही अटकलें लगाई जा रही है कि उन्होंने NDA की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। G20 का शिखर सम्मेलन लद्दाख में हो सकता है। लद्दाख प्रशासन ने इस बाबत अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने औपचारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पहले यह बैठक जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित थी, पर चीन में आपत्ति के बाद सरकार ने फैसला बदल दिया है। G20 का 2023 का शिखर बैठक लद्दाख में हो सकता है। मीडिया में ऐसी खबरें आ रही है। इस फैसले को चीन को जवाब देने के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले यह बैठक जम्मू कश्मीर में होनी थी, लेकिन चीन और पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी। विदेश मंत्रालय अब इस बैठक को लद्दाख में आयोजित कर सकता है। लद्दाख प्रशासन ने बैठक को लेकर अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। वैसे औपचारिक तौर पर विदेश मंत्रालय ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। सूत्रों के अनुसार या तो पूरी बैठक लद्दाख में हो गई या फिर बैठक का एक हिस्सा यहां पर आयोजित किया जा सकता है। आपको बता दें कि पहले चर्चा थी कि इसे जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जा सकता है। सरकार ने 23 जून को 5 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया था। राज्य के उद्घाटन के 12 दिन बाद चंद्रपुर से विधायक किशोर जोरगेवार आज घर लौटे। वह शिंदे समूह के साथ रहे और सरकार का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा, शिंदे के साथ 10 दिन सुखद और शिक्षाप्रद रहे। मैं आलोचना और डराने धमकाने से नहीं डरता, ऐसा भी उन्होंने इस वक्त कहा। हे खरा है कि हा जो 11-12 दिवसाचा जो कालावधी राहिला, या राज्याचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्यासोबतचा जो हा कालावधी जो सहवास राहिला, खरंच जीवनामध्ये एक वेगळा आनंद देणारा, जीवनामध्ये काही शिकण्यासारखं शिकण्याचा कालावधी असला, आनंदाचा कालावधी होता असं मी या ठिकाणी म्हणेन। कसली भीती, कशाची भीती? 1,17,560 लोकांनी मला मतदान करून निवडून दिलं आहे आणि ते मतदान एक फार मोठ्या शक्तीच्या विरोधात त्यांनी मतदान करून मला त्या ठिकाणी विधानसभेमध्ये पाठवलं। आणि लोकशाहीमध्ये सर्वात वरची जनता आहे, म्हणून काही 2-4 लोकांचं जे असेल त्यांचा विरोध किंवा काही, तर त्यांची मनात कसली भीती वाटवायची? आणि मी तुम्हाला सांगतो, मी आयुष्यात कधी कोणालाही भिलो नाही। तुम्हालाही आठवत असेल की जेव्हा चंद्रपूरमध्ये दारूचा खूप सुसवाड झाला, अवैध दारूचा, तेव्हा मी आणि माझे कार्यकर्ते आम्ही रस्त्यावर उतरत बंदुकांचा सामना करत 7 गाड्या एका वेळेस पकडून दिल्या होत्या। जेव्हा त्या प्रकारच्या गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांना आम्ही घाबरलो नाही, ती इथे आपल्या गावामध्ये येण्याचं कशाची भीती, काय भीती? अमरावती के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने और बधाइयां देने नागपुर आए थे। इस वक्त उन्होंने उमेश कोल्हे हत्या मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बहुत दुर्दैवी घटना थी। दूसरे ही दिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद भी मोटिव नहीं बताया गया, उनके परिवार पर भी दबाव लाया गया। इस हत्या के जड़ तक जांच न करने से कन्हैया लाल को भी अपने प्राण गंवाने पड़े, ऐसे भी उन्होंने इस वक्त कहा। अतिशय दुर्दैवी घटना होती,
की 21 जूनला उमेश कोली यांची अतिशय निर्गुण हत्या आणि सुनियोजित पद्धतीने हत्या करण्यात आली. दुसऱ्याच दिवशी 5 आरोपी अटक केले, परंतु स्वतः पोलीस कमिशनर म्हणत होत्या, कारण माझ्यासमोर बोलल्या की 5 लोकांनी कन्फेस केलं आहे की आम्ही खून केला, परंतु मोटिव सांगितला नाही. आणि पहिल्या 2 दिवशी तर रॉबरी किंवा लूटमार असे कारणं सांगण्यात आले, त्यांच्या कुटुंबावर दबाव आणण्यात आला की नुपूर शर्माची पोस्ट फॉरवर्ड केल्याचं कोणाला सांगू नका. खरं जर पाहिलं तर CCTV चे फुटेज त्यांच्याजवळ होते, त्यांच्याजवळ उमेश कोलेचा मोबाईल होता, त्यांनी कोणाला फॉरवर्ड केलेलं होतं हे पोलिसांना माहीत होतं. CCTV मध्ये कसं मारलं, कशी रेकी केली, कसा पाठपुरावा केला हे माहीत होतं, सगळे चेहरे दिसत होते. पण त्या गुन्ह्याच्या मुळापर्यंत न पोचल्यामुळं, ते जाळं न उकलल्यामुळं दुर्दैवानी 2 दिवसानंतर उदयपूरमध्ये कन्हैयालालला सुद्धा जीव गमवावा लागला. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. आपका स्वागत. एयरलाइंस स्पाइसजेट ने बताया कि मौसम संबंधी रडार के काम न करने की वजह से उसका एक मालवाहक विमान मंगलवार को कोलकाता लौट आया. चीन के चोंकिंग शहर जा रहे विमान के पायलट को उड़ान भरने के बाद ही पता चल गया था कि मौसम संबंधी रडार काम नहीं कर रहा है. मामले में DGCA ने पिछले 18 दिन में 8 खराबी की घटनाएं के बाद स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. स्पाइसजेट के विमान में तकनीकी खराबी का पिछले 18 दिन में सामने आया यह 8वां मामला है. स्पाइसजेट के दिल्ली से दुबई जा रहे एक विमान को ईंधन संकेतन में खराबी के कारण मंगलवार को कराची की ओर मोड़ दिया गया था. वहीं उसके कांडला से मुंबई जा रहे विमान को बीच हवा में विंडशील्ड में दरार आने के बाद महाराष्ट्र की राजधानी में प्राथमिकता के आधार पर उतारा गया था. स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा, 5 जुलाई 2022 को स्पाइसजेट बोइंग 737 मालवाहक विमान को कोलकाता से चोंकिंग जाना था. विमान के उड़ान भरने के बाद मौसम संबंधी रडार मौसम की जानकारी नहीं दे रहा था. इसके बाद PCIC ने कोलकाता लौटने का फैसला किया. विमान कोलकाता में सुरक्षित उतारा गया है. सत्ता परिवर्तन के बाद एक तरफ मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के
स्वागत समारोह जोरों पर है तो दूसरी तरफ पूर्व मंत्रियों की भावपूर्ण विदाई समारोह ध्यान खींच रहा है। अमरावती में ऐसे अनोखे विदाई समारोह का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। अमरावती जिले के पूर्व संरक्षण मंत्री एवं राज्य की पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री अधिवक्ता यशोमती ठाकुर के अनोखे विदाई समारोह ने अमरावती की एक बार फिर भावुक होने की तस्वीर पेश की है। विदाई समारोह बहुत ही मार्मिक था क्योंकि अमरावती में संरक्षण मंत्री के कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वागत किया गया था। उनके स्नेह को व्यक्त किया गया था और वे प्यार की एक शॉल से ढके हुए थे। एक और मुंबई के सिद्धगढ़ स्थित अपने आवास से निकलते समय एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने अपने मंत्रिस्तरीय कार्यकाल में प्रमुख सचिव, निजी सचिव, विशेष अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, चपरासी, रसोईया, सुरक्षा गार्ड का अभिनंदन किया था। इसी परंपरा को जारी रखते हुए एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने अपने कार्यकाल में सभी से मुलाकात की। उन्होंने यहाँ अपने सभी साथियों से भी बातचीत की। उन्होंने कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। भले ही वह इस बार मंत्री नहीं है लेकिन उन्हें भुलाया नहीं जाएगा। हालांकि इस अनोखे विदाई समारोह की चर्चा इस समय सोशल मीडिया पर चल रही है। नागपुर के अंबाझरी पुलिस थाना अंतर्गत नौकरी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद आरोपी के चंगुल से भागने के लिए पीड़िता ने बाथरूम की छत से छलांग लगा दी, जिससे वह घायल हो गई। अंबाझरी थाना में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को अदालत में पेश कर आरोपी पुलिस को रिमांड पर लिया गया है। इंटरव्यू का झांसा देकर आरोपी ने युवती को पार्टी बुलाया। पीड़ित 24 वर्षीय युवती है, उसे नौकरी की तलाश थी। मोरभवन बस स्टैंड पर उसकी मुलाकात आरोपी नीलेश योगेश्वर हेडाउ से हुई। नीलेश मजदूरी करता है, उसने पीड़िता को नौकरी दिलाने की हमी भरी थी। नीलेश ने पार्टी स्थित एक होटल में रिसेप्शनिस्ट पद के लिए इंटरव्यू होने का झांसा देकर सोमवार को शाम 7 बजे युवती को पार्टी बुलाया। युवती तय समय पर वहां पहुंची, उसके बाद वह उसे पुराने मकान में ले गया और वहां उसने युवती से दुष्कर्म किया। पश्चात युवती ने उसके चंगुल से बचने के लिए बाथरूम की छत पर चढ़ी और वहां से छलांग लगा दी। युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस बीच पीड़िता ने मामले की सूचना पुलिस को दी। प्रकरण को गंभीरता से लेकर पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर हालत में पीड़िता को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 4 तारीख को पुलिस स्टेशन में रिपोर्टर, मतलब जो पीड़िता है, वो उसकी बहन के साथ पुलिस स्टेशन में आकर उसने रिपोर्ट दी कि 29 या 30 तारीख को आरोपी की साथ पहचान हुई और पीड़ित महिला और उसकी बहन खड़े थे। तो आरोपी ने आकर पूछा कि मुझे जॉब के लिए लड़कियां चाहिए, आप में से कोई इंटरेस्टेड है क्या? तो पीड़िता जो है उसने कहा कि हाँ, मुझे जॉब की ज़रूरत है, मुझे मिल सकती है क्या? तो उसने कहा हाँ, ज़रूर मिलेगी। तो उसने उसका बायोडाटा और फोटो व्हाट्सएप पे मांग लिए। उसके बाद 2-3 दिन उन्होंने बातचीत की जॉब के सिलसिले में। 3 तारीख को आरोपी ने पीड़िता को गणेशपेट बस स्टॉप पे बुलाया और कहा कि भंडारा की तरफ एक होटल है, वहाँ रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए इंटरव्यू देना है, हम वहाँ पर जाएंगे और इंटरव्यू देंगे। वहाँ इंटरव्यू का झांसा देकर आरोपी ने पीड़िता के साथ लैंगिक अत्याचार किए, उसको धमकाया कि अगर तूने ये बात किसी को बताई तो जान से मार डालूंगा। रात भर उसको साथ में रखने के बाद दूसरे दिन सुबह गणेशपेट बस स्टॉप पे लाकर छोड़ दिया। और तभी उसको फिर से वही कहा कि अगर तू रिपोर्ट देती है या किसी को बताती है तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ये बात उसने अपनी बहन को बताया। फिर बहन के साथ पीड़िता और उसकी बहन पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के तुरंत ही बाद माननीय वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपी को गिरफ्तार किया। अभी फिलहाल तो आरोपी हवालात में बंद है, आगे का तपास माननीय वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में शुरू है। सर, आरोपी क्या करता था? आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी का कहना है कि 2 साल से वो हसनबाग परिसर में रहता है और मजदूरी का काम करता है। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। गोंदिया जिले के दवनीवाड़ा में 13 तलवारें मिलने से शहर में हड़कंप मच गया है। क्या आने वाले नगर परिषद चुनाव में दबंगगिरी लोगों की गिरफ्तारी हो पाएगी, यह सवाल भी अब खड़ा हो गया है। पुलिस अधीक्षक विश्व पांसरे के मार्गदर्शन में पुलिस आगे की जाँच में जुट गयी है। गोंदिया LCB प्रमुख बबन आवाड़ के कुशल नेतृत्व तथा पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जिले के पत्रकार परिषद में 54 गुनेगारों को मौके पर पकड़े
पकड़े जाने की बात कहकर 5 जुलाई को नीलागोंदी ग्राम के खेमलाल मस्करे के पास बिना लाइसेंस के 13 जंगी तलवारें जब्त की गई है। दवानीवाड़ा पुलिस द्वारा अपराध दर्ज कर लिया गया है और भी अन्य राज्य में शहर में पिस्तौल अन्य सामग्री हेतु पुलिस दल बखूबी से उच्च स्तरीय जांच में जुट गई है, जिससे आने वाले चुनाव में कहीं बड़ी घटना ना हो पाए। वीकेबी न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। काही लोकांची आपल्या कडून मला काही पत्रकार बांधवांनी किंवा काही लोकांनी ज्या अंगणवाडी चालत लोकांनी मला सांगितलं की आपण बरेच बिझनेस केला आपण तुम्हाला माहिती असतो की आपण मागच्या वर्षामध्ये बिझनेस पकडल्या काही जसे टम्स पकडले त्याचा आपण बिझनेस यूज करा आपण वगैरे त्याचाच एक भाग म्हणून आपण त्याचा त्या कामाला एक चांगली त्या कामाला एक चांगली भाग देण्यासाठी आपण त्याचं एक विशेष पत्र निर्माण केलं आणि त्यांना एकच काम दिलं आपण की फक्त वेपन्स सर्व म्हणजे फायर आर्म्स तलवार ती चाकू जे काय असेल शरीराला मानवी शरीराला इजा करणार जे काही असेल धर्म असेल किंवा वगैरे असे वेपन्स त्यांनी शोधून काढायचे आणि त्या याच्यावरती जे महाराज आहे त्याच्यावरती केसेस करायचे या सगळ्या पत्र निर्माण केल्या त्या पत्रकाला खूपच लवकर एक आपल्याला चांगला रिझल्ट दिला आहे। पुरुष दोन्हीवाडा हातीमध्ये जिल्हा गोंदिया नावाचं गाव आहे, तिथे एक खेमलाल जुलाल मस्के आहे, खेमलाल जुलाल मस्के आहे, त्यांच्या घरात 14 तलवारी आहेत अशी माहिती प्राप्त झाली होती। त्यांच्या जो आहे त्या त्यांच्या घरात मिळाल्या 13 तलवारी मिळाल्या आणि पुढचा तपास आता चालू आहे। आपल्या माहिती आता आणखी काय जे सध्या आता येणार सणांचा सीजन आहे, पुढे नगरपालिका निवडणूक आहे, त्याचबरोबर मोहीम आपण तिरवे केली आहे। आपण जाणताच की गेल्या 2 वर्षापासून आपण सर्व जिल्ह्यामध्ये क्लब्स गॅदरिंग आपला कंटिन्यूअस आपला कालावधी चालू असते त्याचाही तपशील आपण थोडा दिले। काल जर एक मुक्कामध्ये आपण 54 हाऊसमध्ये आपण ठरवले गेले पण दुसरं आपण काल इशू केले गेल्या 1.5 वर्षात आपण हे सगळं गोंदियाच्या गोंदियाची कायदा सुद्धा आपण ठरवली हे आणि आणखी बरेच काही उपाय आपण तयार केला त्या काळात दिवस आहे असं तुम्हाला वेळोवेळी दिसतो देऊ तर आता अशी कारवाई केली आहे। आमचे हे त्याला जे आमचे जे एस यू हे विशेष अभिनास अभिनास माझा आहे आवड साहेबांच्या शोषणापासून काढलेल्या माहितीमुळे हे सगळं शक्य झालं आहे। 80% नेण्याचं श्रेय त्यांच्याकडून आवड साहेबांकडे आणि अशी झाली पुढे वाटचाल किंवा गोंदियाला सुरक्षित अशी ग्वाही आपण आहे। तो अभी वीकेबी न्यूज की प्राइम टाइम न्यूज में अब बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।